हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू टर्म। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी एमएसटी सीटी के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी गई होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हम आपकी एग्ज़ाम क्योंकि अब हो चुकी है तो उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होती है, कैंप राउंड्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, कब कौन सा राउंड स्टार्ट होगा, काउंसलिंग क्या होती है, कॉलेज लिस्ट क्या होती है, वो सारी चीज़ें डिटेल में आपको लेके आने वाला है। कॉलेज कौन सा अच्छा है, कौन सी ब्रांच अच्छी है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स, प्लेसमेंट, फ़ीस वगैरह सब कुछ हम आपको लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब रहना है, जिससे क्या करें तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेस करना है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जितने भी एमएसटी सीटी के शिफ्ट्स हुए हैं उसके लिए सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर यानी कि क्या होता है कि ऐसा स्कोर जिससे कि आपको एक अच्छा कॉलेज महाराष्ट्र में मिल जाए, ठीक है। तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एग्ज़ाम दे दी आपने, वो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो वो कैसे होगा, जब आपकी कॉलेज लिस्ट जो है वो प्रॉपरली बनेगी। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी कॉलेज फिलिंग में इतना मैसअप हो जाता है कि उनको मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है। और इसका ऑपोजिट सिनेरियो भी होता है, जहाँ पे कम परसेंटाइल पे बहुत अच्छी कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या सलूशन है, इसका सलूशन ये है कि आपको काउंसलिंग यानी कि आपको कॉलेज लिस्ट बहुत अच्छे से बनवानी होती है अपनी, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। हम आपकी पूरी काउंसलिंग करवा के देंगे, आपको प्रॉपर 30-40 कॉलेजेस की लिस्ट बना के देंगे, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपका कुछ कोटा है तो वो सब अप्लाई करके, आपकी ब्रांच कौन सी चाहिए, सिटी कौन सी चाहिए, सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं उन सबको नज़र में रखते हुए आपकी पूरी कॉलेज लिस्ट बना के दी जाएगी। तो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म को भर देना है, ठीक है। और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल कर देनी है, आपको टीम के द्वारा मैसेज या कॉल आएगा एंड फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, आप उनके साथ पूरी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो ज़रूर जाके फिल करिएगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 20 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, ये कंपेरेटिवली ईजी टू मॉडरेट के कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अब ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में फॉल करते हैं यानी कि एक सेफ स्कोर, सेफ स्कोर यानी कि एक 92-93% के लिए आपके जो सेफ स्कोर माना जाएगा वो 120 माना जाएगा, ठीक है। 120 मार्क्स पे आपके सेफ मार्क्स है, सेफ स्कोर है, ठीक है। अराउंड 120 आपके आ जानी चाहिए तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईजी शिफ्ट थी। 120 भी मैं मिनिमम बता रही हूँ 92-93% के लिए, तो इतने होंगे तो आपके अच्छे कॉलेज में होने के चांसेस हैं, तो ये सेफ स्कोर है। इसके ऊपर जिनके आए होंगे वो तो बहुत ही अच्छी बात है, 120 के ऊपर जिनके आ रहे होंगे और 120 के आसपास भी आ रहे होंगे तो भी वो अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर 120 होगा। नेक्स्ट आपका 21 सितंबर की शिफ्ट भी इजी टू मॉडरेट के बीच में ही थी, तो उसके लिए भी यही सेम चीज़ जाएगी आपकी, ठीक है। सेफ स्कोर आपका 120 के ऊपर रहेगा, ठीक है। 120 पे आपकी परसेंटाइल जो है वो अराउंड 92-93 आ जानी चाहिए, क्योंकि वो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट के थे, ठीक है। यानी कि 92-93% बनेगी ही बनेगी अगर आपके 120 मार्क्स आते हैं, उससे ज़्यादा ही बन सकती है, बट ये अप्रॉक्स जो है वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम सेफ स्कोर है। अब 22 सितंबर की जो शिफ्ट्स थी वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, एक्चुअली आप देखोगे तो सारी शिफ्ट्स इजी टू मॉडरेट थी, एक्सेप्ट 2-3 को छोड़ के, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। तो 22 सितंबर की भी शिफ्ट्स जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी, वहाँ पे भी आपका अगर 120-125 के ऊपर स्कोर आ जाता है मतलब आप सेफ जोन में हो, ठीक है। अब 23 सितंबर की जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट थी वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो डिफ़िकल्ट थी, ठीक है, वो मॉडरेट लेवल की थी, वो इजी भी नहीं थी, वो मॉडरेट लेवल की थी, हल्का सा डिफ़िकल्ट के साइड में इंक्लिनेशन था लेकिन मॉडरेट ही थी। इसके लिए सेफ स्कोर क्या होगा आपका, 110-115 के बीच में आपका सेफ स्कोर होगा, जहाँ पे आपकी 93-94% बन जाएगी, ठीक है। 110-115 आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। बात करते हैं 24 सितंबर की, तो वो भी इजी टू मॉडरेट ही थे दोनों शिफ्ट्स, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल इतना कुछ नहीं था, तो उसके लिए भी आपका सेफ स्कोर 125 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये थी पीसीएम की सारी शिफ्ट्स के बारे में।
अगर आपको पीसीबी का भी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और गूगल फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। इस रेट पे, इतने चीपेस्ट रेट पे कोई भी आपके काउंसलिंग करवा के नहीं देगा इतने एफिशिएंटली, इतने इफेक्टिवली, ठीक है? तो ये तो आपको गूगल फॉर्म ज़रूर भर देना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, और जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाना है। और ये आपकी पूरी सेफ स्कूल की कहानी थी, ठीक है? तो बेसिकली आपके 23 सितंबर को छोड़ के बाकी शिफ्ट्स में आपके अराउंड 120 to 125 सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर आए तो अच्छी बात है, उसके नीचे कितना 100 से 120 के बीच में होंगे तो भी ठीक है, ठीक है? और 23 सितंबर क्योंकि थोड़ी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में थी, तो उसमें आपका स्कोर 110-115 के ऊपर होगा तो वो सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है? तो सेफ स्कोर यानी कि आप सेफ जोन में हो, आपका अच्छे कॉलेज में लग ही जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए होगा वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। काउंसलिंग का फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड स्टे सेफ। दिस वीडियो हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अब आपको कॉम्बैट टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है एकदम फ्री एंड्रॉयड पे। एवरी संडे 11 AM आपको टेस्ट मिल जाएगी, आपको सिर्फ हमारा कोड यश डे यूज़ करना है और आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेस्ट एवरी संडे। यहाँ पे आपको 21 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 60 मिनट्स में, ठीक है? और आपको अप टू 4 करोड़ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, रैंक 1, 2, 3 को 100%, ठीक है? ऐसे ही 75% स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है? तो आप लोगों को ये टेस्ट के लिए बिल्कुल एनरोल हो जाना है यार। यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे टॉप फैकल्टीज़ से, और आपका टेस्ट एकदम ऑल इंडिया लेवल पे होगा, ठीक है? तो आपको बिल्कुल कॉम्बैट टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन हो जाना है, हमारा कोड यश जेई यूज़ करना है। एवरी संडे 11 AM ये टेस्ट होने वाला है, और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी आपकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग, आपकी लाइव रैंक भी निकाली जाएगी। एंड्रॉयड पे ये टेस्ट लाइव लेना है, 21 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो ज़रूर एनरोल कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।